चलिए बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि सूरत से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज गुजरात दौरा है। सूरत के गोडाधरा में चुनाव प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूरत से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज गुजरात दौरा है। तो बीजेपी की तरफ से देखिए दो बड़े चेहरे आज गुजरात पहुंचे हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात पहुंच चुके हैं, चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही आज वो तीन जनसभाएं संबोधित करेंगे। सूरत के गोडाधरा में आज चुनावी प्रचार होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात में उत्तर प्रदेश के सात उत्तर भारतीयों की काफी बड़ी संख्या है, जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जलवा दिखाने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में गैर प्रांतों के करीब 42 लाख लोग रह रहे हैं। दो शहरों की करीब 50% आबादी बाहर के लोगों की है। इन दोनों शहरों में विधानसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं। गुजरात में रहने वाले अन्य राज्यों के लोग में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हैं, जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंचे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जनसभा करने पहुंचे गुजरात, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे, आज वो भी गुजरात के दौरे पर हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत दिखाती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि जिन राज्यों में उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारकों में शामिल है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी स्टार प्रचारकों में शामिल है और आज से गुजरात के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अगर खासतौर पर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज सूरत, मोरबी और भरूच में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर हम पहचान की बात करते हैं, हिंदुत्व के साथ एक बुलडोजर की भी पहचान के साथ जुड़ गया है, और आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही इसमें बुलडोजर पे लोग गुजरात में जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। तो पहले से ही जो माहौल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूरत में अगर हम बात करें, मोरबी में बात करें, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज्यादा है, तो उनकी जो लोकप्रियता है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं को वो संबोधित करें। और हिमाचल चुनाव के बाद अब बड़ी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया कि गुजरात में भी कई विधानसभाओं में करीब एक दर्जन से ज्यादा जो विधानसभाएं हैं वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश से आज गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भी तैनाती किया गया है। तो पूरी तरीके से ताकत दिखाती हुई नजर आ रही गुजरात चुनाव में, और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी चुनाव जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी की। तो बता दें उत्तराखंड के सीएम भी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों सीएम आज गुजरात में दमखम के साथ चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो कि जानकारी हमें मिल रही है, गुजरात में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारतीयों की काफी ज्यादा संख्या है, जिसके चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को लुभाने के लिए इस प्रचार में आज शामिल होंगे और जनसभा को बड़ी संख्या में संबोधित करेंगे।